एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। आज लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। पहली खेप में कोविड वैक्सीन के 12 बॉक्स में 1,40,000 वैक्सीन लखनऊ पहुंची है। 1 से 2 दिन में वैक्सीन की और लौट लखनऊ आएगी। वैक्सीन के एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने वैक्सीन का वेलकम किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एयरपोर्ट से स्टेट फेयर हाउस ले जाने वाले ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रक की पूजा भी की। एयरपोर्ट से सीधे लखनऊ के जगत नारायण रोड स्टेट वेयर हाउस में रखा गया। वैक्सीन के लखनऊ पहुंचने पर डीजी परिवार कल्याण डॉक्टर राकेश दुबे ने कहा कि अभी लखनऊ में 1,40,000 वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से आ गई हैं। 20,000 वैक्सीन भारत बायोटेक की आज रात तक आ जाएंगी। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर आज रात में गाइडलाइन जारी की जाएंगी। कहा कि कितनी वैक्सीन भेजनी है इसे लेकर भी आज रात को आने वाली गाइडलाइंस के बाद ही क्लियर हो पाएगा। इसका सर्वेक्षण यहाँ आपके स्टेट के कोल्ड चेन के पॉइंट्स हैं उन पर किया जा रहा है और स्टेट के कोल्ड चेन पॉइंट पर ही पहले आ रही है। उसके बाद जिलों पर भी कोल्ड चेन पॉइंट हैं, वहाँ पे रखा जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा और उनके कोल्ड चेन पॉइंट से ब्लॉक के कोल्ड चेन पॉइंट पर जहाँ वैक्सीन लगना है वहाँ। सर आपने कितना रिसीव कर लिया है, अभी फ्यूचर में कितना आएंगी? आज केवल लखनऊ के लिए आया है। लखनऊ के लिए 1,60,000 डोज आ चुकी हैं और जो हमने रखवा ली हैं यहाँ पर, और पुलिस की संरक्षा में हमारा भी स्टाफ रहेगा, सबकी संरक्षा में ये यहाँ पर रहेंगे। कोविड वैक्सीन की पहली खेप राजधानी लखनऊ पहुंच चुकी है और इस खेप को जो परिवार कल्याण महानिदेशालय उसके पास ही स्थित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिल्वर जुबली में रखा गया है कड़ी सुरक्षा के बीच में, और जो वैक्सीन आई थी कंटेनर्स से उसको निकालकर स्टोरेज सेंटर में रख दिया गया है। ये बाहर आप खाली कंटेनर्स देख सकते हैं पड़े हैं। ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है लखनऊ का, जहाँ से बाकी जगह पर इस वैक्सीन को भेजा जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं जो दरवाजे यहाँ के बंद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी यहाँ पर सशस्त्र पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 16 तारीख से कोविड का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और फिलहाल जो पहला चरण है उसमें हेल्थ वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन दी जानी है। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं, लेकिन जो पहली खेप की अगर बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की मिलाकर लगभग 1,60,000 डोज कोविड वैक्सीन की लखनऊ में आ रही है और आगे अगले 1 से 2 दिन के अंदर और वैक्सीन आने की बात कही जा रही है। बहरहाल अब शासन जो है इसके हिसाब से अपनी आगे की गाइडलाइंस तैयार कर रहा है और यहाँ से अब वैक्सीन को जो बाकी सेंटर्स है वहाँ पर भेजा जाएगा, अलग अलग ज़िलों में भेजा जाएगा। जो पहली खेप आई है वो लखनऊ मंडल के लिए लाई गई है और वैक्सीन यहाँ पर पहुँचने के बाद में खुद जो परिवार कल्याण महानिदेशालय के डीजी हैं डॉक्टर राकेश दुबे, उन्होंने आकर पूरा जायज़ा लिया और यहाँ पर वैक्सीन एक जो तय टेम्परेचर है उसमें रहे इसके लिए भी पूरी व्यवस्था पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अंदर भी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, इसके साथ ही इस केंद्र के बाहर भी सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जो 24 घंटे इसकी निगरानी करेंगे। सीसीटीवी कैमरों से भी अंदर से इसकी निगरानी की जा रही है। तो कोविड की वैक्सीन आखिरकार आ गई और 16 तारीख से इसे लगाने का महाअभियान भी शुरू हो जाएगा। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा लखनऊ। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।